किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो, किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो, छोटी छोटे खेती के टुकड़ों पर पूरा परिवार आज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनके नौजवानों के लिए मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। हम सदियों से जिस परंपरा में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उससे मुक्ति पानी होगी और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं। हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में लगातार काम करते आए हैं। आज आसान ऋण दे रहे हैं किसानों को, टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं, किसान जो पैदावार करता है उसको वैल्यू एडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंध करते हैं ताकि उसको एंड टू एंड हर जगह पे हैंड होल्डिंग की व्यवस्था हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज जब धरती माता के प्रति सारा विश्व चिंतित है, जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है, हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, और उस समय मैं मेरे देश के लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। और इस बार बजट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं, पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ रहा है और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है, और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं ताकि ऑर्गेनिक फूड की जो विश्व की मांग है उस ऑर्गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने, किसानों का जीवन आसान बने, गांव में टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो, किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो, छोटी छोटे खेती के टुकड़ों पर पूरा परिवार आज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनके नौजवानों के लिए वो स्किल मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आय के साधन बने, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास हम कर रहे हैं।